दोस्तों स्वागत है आज के इस खास वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों DRTs या DRATs के बारे में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के तहत आती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये डिपार्टमेंट काम करती है। आपको CHSL हो, MTSS, स्टेनोग्राफी हो, इसमें अब ये एक नए डिपार्टमेंट के रूप में जुड़कर दिख रहा होगा और बहुत कम जानकारी है इस डिपार्टमेंट के बारे में इंटरनेट पर। तो दोस्तों ये मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है और ये वीडियो मैं आपको बताता चलूँ कहीं से कहीं सुनी बातों पे नहीं आधारित है, कहीं से पढ़ी हुई बातों पे आधारित नहीं है। मेरे 6 सालों का एक्सपीरियंस इस डिपार्टमेंट में काम करने का, 6 सालों का एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो ये जो आपका मेरा 6 सालों का एक्सपीरियंस आप कुछ चंद मिनटों के वीडियो में लेने वाले हैं, तो जो भी मैं बताने वाला हूं वो बिल्कुल देखा हुआ है, किसी से कोई कहीं सुनी हुई बातों का यहां पे जिक्र नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं, वर्क ऑफ DRTs, करती क्या है ये डिपार्टमेंट, चूंकि आपको पूरा करियर इसमें देना है, अगर आप चूज करते हो और आपका सिलेक्शन होता है तो आप यहां पे काम करोगे, तो आपको पहले से समझना पड़ेगा कि करते क्या है ये डिपार्टमेंट, आपका फ्यूचर इस चीज पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करें नंबर ऑफ DRTs, DRATs, जोन, क्योंकि जो ट्रांसफर पॉलिसीज हैं वो इन्हीं जोन्स पे आधारित है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या आपको घर के पास पोस्टिंग मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, सब डिटेल से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जो मैनेजमेंट, किस तरह का वहाँ पे हायरार्की है, MTS स्टाफ का, ड्राइवर, LDC, रजिस्ट्रार तक, आपका प्रमोशन चैनल क्या रहने वाला है, तो ये सब मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में खास। उसके बाद वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, अंदर का काम काज कैसा होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद ट्रांसफर पॉलिसीज आ गया, घर पे होम पोस्टिंग लेने के लिए क्या करना है, इन डिपार्टमेंट्स की क्या भूमिका है आपको आपके घर के आसपास की पोस्टिंग देने में, उस पर भी हम खास चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद प्रमोशंस, दोस्तों अगर कोई MTS पे ज्वाइन करता है, LDC कितने सालों में बन जाएगा, UDC कितने सालों में बनेगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, तो ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। और इस मामले में DRT क्या दूसरे डिपार्टमेंट से अलग है, कितना अलग है, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग इन DRTs, दोस्तों 6 सालों का निचोड़ मैं इस वीडियो में डाल दूंगा कि क्या है प्रोज एंड कॉन्स, आखिर हम मुझे DRT में क्या फायदे मिलने वाले हैं और क्या नुकसान मिलने वाले हैं, ताकि आप ना मेंटली आप तैयार होकर आओ कि भैया यहाँ पे नुकसान है तो मैं झेल जाऊं, ये फायदा है तो मैं चूज इसी को कर लूं। तो ये चीज मेरे 6 सालों के एक्सपीरियंस, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। DRTs, पहला स्लाइड, वर्क ऑफ DRTs एंड DRATs, दोस्तों फुल फॉर्म जो होता है, बिना कोई समय गवाए सीधा पॉइंट मुद्दे पे बात करते हैं, तो जो फुल फॉर्म होता है वो है डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल। जी हाँ, डेब्ट्स रिकवरी, इनका काम डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल है। तो जैसा कि आपको पता है डेब्ट का मतलब लोन होता है, लोन के रिकवरी के लिए ये ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। तो उसमें आपने कहा होगा कि बैंकों से लोन में रिकवरी, ट्रिब्यूनल का क्या काम, तो दोस्तों लोन रिकवरी से रिलेटेड जो भी कानूनी पचड़े हैं उसमें सरफेसी एक्ट होता है, तो ये मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा, ये सरफेसी एक्ट और RDDBI एक्ट और ये सब मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सरफेसी एक्ट के तहत ये ट्रिब्यूनल्स काम करती हैं। लोन रिकवरी जो मिनिमम अमाउंट होता है 20 लाख के लोन की रिकवरी इन ट्रिब्यूनल्स के द्वारा होती है, और याद रखना है जहां पे भी ट्रिब्यूनल वर्ड आ जाए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट आता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब कि यहाँ पे तारीख पे तारीख वाली बात नहीं होती है, तुरंत डिसीजन होता है दोस्तों। जैसे आपने सुना भी होगा CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, AFT, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, उसी के आधार पर डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब DRAT क्या है, DRAT आप मानकर चलिए DRTs का बॉस है, इनके ऊपर अपेलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि ऐसे फैसले जो DRTs में सुनाए गए हैं उसके अपील के लिए DRATs सेटअप की गई हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा ब्रीफ सा मैंने आपको बता दिया, 20 लाख और मिनिमम 20 लाख का लोन, और 20 लाख से ऊपर कोई लिमिट नहीं है, हजारों करोड़ों का लोन DRTs में फाइल होती हैं, बैंक
फाइल करती हैं कि भाई इस बंदे ने लोन लिया था, चुका नहीं रहा है, तो उससे जो जुड़ी हुई कानूनी जो भी कार्रवाई है वो सब के सब डीआरटीज देखती हैं। गवर्नमेंट ने ये क्यों सेटअप किया? क्योंकि चीज़ों को फास्ट ट्रैक बनाने के लिए। पहले जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ये मामले चले जाते थे तो तारीख पे तारीख वाली बात होती थी, तो उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये डीआरटीज बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये है वर्क ऑफ डीआरटीज। बहुत ही ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ, डिटेल से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नंबर ऑफ डीआरटीज, डीआरटीज और जोन्स, दोस्तों ये खास है ध्यान से। नंबर ऑफ करंट जो अभी की स्थिति है, 39 डीआरटीज काम कर रही हैं दोस्तों, और 5 डीआरटी पूरे भारत में भी काम कर रहे हैं। 39 डीआरटीज और 5 डीआरटी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर डीआरटी के तहत डीआरटीज काम करती हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा दे रहा हूँ, डिटेल से अगेन नहीं बताऊंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब जैसे बात करते चले तो डीआरटी दिल्ली, फिर डीआरटी मुंबई, फिर डीआरटी इलाहाबाद, फिर डीआरटी कोलकाता, उसके बाद डीआरटी चेन्नई। तो 5 डीआरटी बैठी हैं और उसके नीचे डीआरटीज, ये 39 डीआरटीज काम करती हैं। अब एक डीआरटी का एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि 39 डीआरटीज की बात करना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में। तो डीआरटी दिल्ली के तहत डीआरटी 1 दिल्ली, डीआरटी 2 दिल्ली, डीआरटी 3 दिल्ली, उसके बाद ये होने के बाद DRT 1 चंडीगढ़, DRT 2 चंडीगढ़, DRT 3 चंडीगढ़, और उसके बाद DRT जयपुर। यानी DRT दिल्ली के तहत ये 3, 3, 6 और 1, 7 डीआरटीज आ रही हैं और इनका बॉस डीआरटी दिल्ली में काम कर रहा है। तो आप मान कर चलो कि ये एक जोन हो गया, जोन में एक डीआरटी है और 7 डीआरटीज हैं, तो जोन इसी तरह बटा हुआ है। डीआरटी मुंबई की बात करें तो वहां आप डीआरटी मुंबई हो गया, डीआरटी नागपुर हो गया, डीआरटी औरंगाबाद हो गया, इसी तरह कोलकाता, इलाहाबाद में भी इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, रांची हो गया। तो इस तरह के जोन्स बटे हुए हैं दोस्तों। तो डीआरटी बॉस है, उसके नीचे डीआरटीज काम करती हैं। तो जोन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक नया डेवलपमेंट बात करूं तो करंट वर्क प्रेशर को देखते हुए 40 नए डीआरटीज खोलने का प्रपोजल है दोस्तों। सरकार के अंडर कंसिडरेशन है कि 40 नए डीआरटीज को वो खोलने जा रही है। हालांकि ये अभी भी स्टिल अंडर कंसिडरेशन है, अप्रूव्ड ये 39 ही हैं जो कि अभी काम कर रही हैं। अगर अप्रूव कल को 40 नए डीआरटीज खोलने का हो गया तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेज इनके बढ़ने वाले हैं, तो हो सकता है उस समय जोन भी बढ़ जाए। तो ये होना है। नेक्स्ट बात करता चलो तो मैनेजमेंट ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ डीआरटीज की बात करूं तो जो बॉस है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो होता है प्रेजाइडिंग ऑफिसर किसी भी डीआरटी का बॉस होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसके नीचे कई बार एचओओ हेड ऑफ ऑफिस का रोल अदा करता है, वो होता है रजिस्ट्रार। उसके नीचे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसी के इक्विवेलेंट रिकवरी ऑफिसर्स। एक डीआरटी में PO1, रजिस्ट्रार 1, AR1 और रिकवरी ऑफिसर्स 2। तो टॉप मैनेजमेंट दोस्तों, मैनेजमेंट में भी लीगल टर्म, लीगल मामलों में रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो PO, रजिस्ट्रार और AR, यही 3 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मैनेजमेंट में पार्ट
या रोल अदा करते हैं। तो ये जो पांचों पोस्ट है दोस्तों, ये ग्रुप ए में आते हैं। अब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज क्या है ये जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये पांच, उसके नीचे फिर बात करते हैं पीएस की और एसओ की, सेक्शन ऑफिसर और प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी जो बोलना चाहें ये बोल सकते हैं। और उसके नीचे होते हैं असिस्टेंट, और उसके नीचे होता है यूडीसी, उसके नीचे होता है एलडीसी, उसके नीचे होता है एमटीएस, और इसी के आसपास स्टाफ कार ड्राइवर, तो वो ड्राइवर की भी बात होती है। तो दोस्तों मैं बताता चलूँ, टॉप पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर, उससे नीचे रजिस्ट्रार, उससे नीचे असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ही इक्विवेलेंट रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं। ये पांच लोग ग्रुप ए में आते हैं, और उसके नीचे फिर पीएस और उसी के इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर के नीचे फिर असिस्टेंट। असिस्टेंट में भी कैटेगरीज बट जाती हैं, अकाउंट असिस्टेंट, सिंपल असिस्टेंट, तो वो तो उसको हम एक ही में मानकर चल रहे हैं असिस्टेंट। और उसके बाद नीचे यूडीसी, उसके नीचे एलडीसी, उसके नीचे एमटीएस और स्टाफ कार ड्राइवर, ये सब ये होता है स्टाफ का जो भी लेखा जोखा दोस्तों। उसके बाद आगे बात करें तो अगर नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफिशियल्स की भी अगर डिस्कस करते चलें तो एक डीआरटी में दोस्तों कितने सैंक्शनड हैं, तो रिक्रूटमेंट रूल आर आर जो था इनका जून 2018 में आया था, और रिक्रूटमेंट रूल 2018 ये आपको गैजेट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो आरआर 2018 के अनुसार एक डीआरटी में जो पीओ होगा एक, यानी प्रेजाइडिंग ऑफिसर, रजिस्ट्रार होगा एक, एआर होगा एक, उसके बाद आरओ रिकवरी ऑफिसर होगा दो, ये हो गया पांच। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर एक, उसके बाद पीएस एक, उसके बाद असिस्टेंट ये हो गया चार, उसके बाद यूडीसी शायद चार है, अगर डेटा में थोड़ा बहुत गलत हो यहां पे यूडीसी के मामले में तो मुझे, मैं माफी चाहूंगा, चार, एलडीसी चार शायद, क्योंकि मैं मान रहा हूं चार या तीन यहां पे यूडीसी है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा यूडीसी के लिए, एलडीसी चार और एमटीएस सात। तो ये सैंक्शनड स्ट्रेंथ है किसी भी एक डीआरटी में काम करने वाले स्टाफ का, ऑफिसर्स का या ऑफिशियल्स का। नेक्स्ट बात करते चले दोस्तों तो वर्क एनवायरमेंट कैसा है। वर्क एनवायरमेंट की बात करते चले तो चूंकि ये जुडिशियल सेटअप है दोस्तों, जुडिशियल सेटअप का मतलब जहां पे कानूनी कार्रवाई की जाती है, और याद रखना है अगर कहीं पे भी लीगल मैटर आ जाए, कोर्ट सेटअप आ जाए, तो काम दूसरे ऑफिसेस से ज्यादा होगा, ये याद रखना है। अगर आप लेट डाउन एटीट्यूड के साथ आते हैं कि चलो काम चल जाएगा, सरकारी नौकरी है, काम नहीं करना पड़ेगा, तो इस एटीट्यूड के साथ आपका यहाँ पे काम नहीं चलना। मैं बहुत ही साफ साफ शब्दों में आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। अब हालांकि मैं आपको अपने 10 सालों का एक्सपीरियंस भी बताता चलूँ, 4 साल का एक्सपीरियंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 6 सालों का एक्सपीरियंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अब ऐसा कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं रहा जहां पे कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। हर जगह, हर डिपार्टमेंट भारत सरकार का आपको एनी हाउ काम करना पड़ेगा दोस्तों, हर जगह वर्क प्रेशर है। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल लें कि हाँ ये ऑफिस अच्छा है जहां पे काम नहीं करना पड़ रहा था, ये खराब है जहां पे काम करना पड़ेगा, ना, हर ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा। तो वर्क एनवायरमेंट मैं आपको बता दूं तो ये कोड सेटअप होता है, कोड सेटअप में आपको काम करना पड़ेगा। जो सीट होता है, अब सीट्स की चर्चा करूं कि आखिर काम क्या क्या है, तो एक होता है एडमिन नेचर का वर्क, हो सकता है आपको एडमिन में बिठा दिया जाए, हो सकता है आप स्क्रूटनी में बिठा दिया जाए, स्क्रूटनी ऑफ फाइल्स, जो फाइल वकीलों ने फाइल किया है उसमें स्क्रूटनाइज करना है, देखना है कि जो कागज उन्होंने लगा रखे हैं वो अलाउड हैं भी, कि कोई कागज कम तो नहीं है,
तो हो सकता है स्क्रूटनी में बिठा दें, हो सकता है आपको रिकवरी सेक्शन में बिठा दें, रिकवरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए बिठा दें, हो सकता है आपको डायरी पर बिठा दें, डायरी पे जहां पे वकील अपना फाइल फूल देते हैं तो वो रिसीव करने के लिए बिठा दें, हो सकता है आपको कोर्ट में बिठा दें, कोर्ट मास्टर की तरफ के सीट पर बिठा दें। तो अगर आप स्टेनो हैं तो आप हो सकता है कि रजिस्ट्रार के कोर्ट में बैठ जाएं, पीओ के कोर्ट में बैठ जाएं। तो सीट ये है दोस्तों, हो सकता है आपको समन्स बनाने वाले सीट पर बैठा दें, हो सकता है आपको जजमेंट बनाने वाले सीट पर बैठा दें। तो इस तरह के सीट्स हैं। तो ये मैं अपना जो एक्सपीरियंस है दोस्तों उसका निचोड़ बता रहा हूँ, कोई कहीं सुनी हुई बात तो नहीं, 6 साल काम किया है उसका ये वीडियो बन रहा है, लंबा चौड़ा हो सकता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपको इस तरह के काम वर्क एनवायरमेंट में काम करना पड़ेगा जहाँ पे डेली आपको वकील दिखेंगे। अगर कोई काम आप से आपको लगता है कि हाँ आप तेजी से कर सकते हो तो आपको हो सकता है एडमिन में बिठा दे। तो यहाँ पे अलग अलग नेचर का काम आपको दिखता है दोस्तों। ट्रांसफर पॉलिसीज और डीआरटी की बात करूं तो जोन वाइज ट्रांसफर पॉलिसीज पॉसिबल है, जोन वाइज। जैसे मैंने पहला ही एग्जाम्पल दिया था, जैसे डीआरटी दिल्ली, डीआरटी दिल्ली में जो डीआरटीज काम कर रही हैं वो 3 जगह काम कर रही हैं, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और जयपुर में। यानी कि आपका ट्रांसफर दिल्ली में, चंडीगढ़ और जयपुर में ही होगा, पूरी लाइफ इन्हीं 3 सिटीज में निकल जाएगी। और ये जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर भी होगा, हो सकता है आप चंडीगढ़ 1, 2, 3, यानी कि आप हो सकता है चंडीगढ़ डीआरटी 1 में काम करें तो 3 में ट्रांसफर हो जाए, 3 में 2 में चले जाएं, 2 वाले भी 3 में आ जाएं, इस तरह से यहीं पे शफलिंग होते हुए आपकी जिंदगी निकल जाए, आपका करियर निकल जाए। अगर आपको लगता है कि, अगर डीआरटी को लगता है कि आपकी जरूरत डीआरटी दिल्ली में है तो यहाँ भेज देगी, यहाँ भेज सकती है, शफलिंग यहीं पे होता है। अगर कोई साउथ इंडिया का स्टूडेंट है, कोई साउथ इंडिया का एस्पिरेंट है और डीआरटी चंडीगढ़ में काम कर रहा है, क्या साउथ इंडिया जा सकता है? दोस्तों वो दूसरा जोन हो गया और दूसरे जोन में अभी तक के पॉलिसीज के अनुसार कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई हुई है। हाँ, म्यूचुअल अगर कोई मिल गया तो उसकी बात अलग है, है ना। तो ये है जोन वाइज ट्रांसफर पॉलिसीज ऑफ डीआरटीज दोस्तों। नेक्स्ट जो हम प्रमोशंस इन डीआरटीज अभी बात करने वाले हैं, प्रमोशन। मान लीजिए कि आप एसएससी एमटीएस से आते हो, ये मैं मिटा दूं, हाँ, मान लीजिए कि आपने एमटीएस पे ज्वाइन किया और आपकी उम्र 21 साल है। इसके लिए मैंने एक चार्ट भी बना रखा है, चार्ट के अनुसार आपको काफ़ी डिटेल से ये चार्ट में बताता चलूँ। तो एमटीएस से आप बनते हो एलडीसी, एलडीसी से बनते हो यूडीसी, यूडीसी से बनते हो असिस्टेंट, असिस्टेंट से बनते हो सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर से बनते हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार से बनते हो रजिस्ट्रार, एआर से बनते हो फिर रजिस्ट्रार। तो ये है प्रमोशनल चैनल। प्रमोशनल चैनल में अगर आपकी उम्र, ज्वाइनिंग की उम्र 21 साल पे आपने मान लो ज्वाइन कर लिया किसी भी डीआरटी को, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो भी देखेंगे। तो एलडीसी मान लीजिए आप 21 साल में बनते हो, एमटीएस बनते हो, तो कितना वक्त लगेगा? तो दोस्तों एलडीसी बनने के लिए आपको 3 साल लगने वाले हैं, एलडीसी बनने के लिए, जिस समय आपकी उम्र हो जाएगी 24 साल। अब एलडीसी से यूडीसी बनने के लिए आपको चाहिए मिनिमम 8 ईयर्स, जिसमें हो जाएगा 32 साल। अब दोस्तों यूडीसी से अगर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे लगेंगे 10 साल, यानी कि हो गए आप 42 साल के। 42 साल होने के बाद 5 साल फर्दर सेक्शन ऑफिसर के लिए, 5 ईयर्स, यानी 42 और 5 हो गए 47 साल। 47 साल के बाद 7 ईयर्स अगेन लगेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, 54 साल। 54 साल के अगेन अगर मैं बात करता चलूँ तो इसके अपने एआर से रजिस्ट्रार बनने के बाद 5 ईयर्स, यानी कि 59 ईयर्स, यानी रिटायरमेंट के टाइम तक आप रजिस्ट्रार तक पहुंच पाओगे। अब जो लेवल की बात करूं, आप देखो जो मिनिमम मैनेजमेंट लेवल की बात करूं तो लेवल 2 से स्टार्ट होता है दोस्तों, लेवल 2 से एलडीसी, फिर लेवल 4, अगर ग्रेड पे की भाषा आप समझते हो तो लेवल 2 1900 ग्रेड पे, लेवल 4 2400 ग्रेड पे, असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे, सेक्शन ऑफिसर 4600 ग्रेड पे,
यहाँ पे आपका जो लेवल है वो लेवल 12 पे आप रिटायर करते करते पहुंचोगे। और याद रखना है लेवल 12 ग्रुप ए ऑफिसर होता है। ग्रुप ए हालांकि यहां से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो ग्रुप ए से आप रिटायर करोगे और ग्रुप ए तक पहुंचने में आपका 54 साल लग जाएगा। मतलब जब 54 के हो जाओगे तब आप ग्रुप ए में भी आ सकते हो। तो दोस्तों ये है प्रमोशनल चैनल, डिटेल से मैंने बताया है दोस्तों, निचोड़ पूरा बताया है। अब इसमें एक शर्त और भी है कि आपका सारा का सारा प्रमोशन टाइम हुआ है, टाइमली हुआ है, बिल्कुल ऑन टाइम हुआ है। तब अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत भी गड़बड़ होता है या डिले होता है तो आपका प्रमोशन और भी डिले हो सकता है। लेकिन लेवल 12 के इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको रिटायरमेंट तक का एज लग सकता है। हालांकि अगर बात करूं जो दूसरे सीजीएल के भी जो पोस्ट हैं वहां पे भी इतना प्रमोशन कई पोस्ट में पॉसिबल नहीं है, डीआरटीज आपको ये ऑफर करती हैं। तो दोस्तों ये है प्रमोशन इन डीआरटीज। अब बात आते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। अब बहुत सारे सीजीएल के ऐसे डिपार्टमेंट है जहां सैटरडे संडे को छोड़ दें तो सारे सैटरडेज बंद नहीं होता है, याद रखना है। सीजीएल सीएचएसएल के भी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग नियम है। यहां पे सैटरडे संडे का बात करें तो सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे क्लोज, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे बंद होता है और फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे खुला होगा, याद रखना है दोस्तों। ये आप इसको प्रोज में माने कॉन्स में माने ये आपके ऊपर है। अभी तक के हालांकि ऐसा सुनने में आता है, उड़ती खबर है कि सारे सैटरडेज को ये बंद कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति यही है, फरवरी 2024 की यही स्थिति है कि सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज बंद होता है। उसमें भी कई बार सेकंड एंड फोर्थ में भी बुला लेते हैं, क्यों? क्योंकि लोक अदालत होती है, लोक अदालत कंडक्ट कराया जाता है तो उसका अलग से आपको पैसा मिलता है, हालांकि वो बिल्कुल अलग कहानी है। दूसरा प्रोज में कि इसका अर्बन एरिया में ही ऑफिस है, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया, जैसे बड़े शहरों में ही, चंडीगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, तो इन डीआरटीज का जो ऑफिसेज है ये अर्बन एरियाज में ही है, तो ये भी एक आप बेनिफिट मांग सकते हो। कॉन्स की बात करें दोस्तों तो ट्रांसफर जोन वाइज ट्रांसफर पॉलिसी पॉसिबल नहीं है कि आप इंटर जोन चेंज कर लें, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स है। दूसरा सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे का ना होना, तो ये भी कॉन्स में ले सकते हो आप, हालांकि अगर आप इसको प्रोज में भी लेना चाहो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा वर्क प्रेशर कई बार ज़्यादा होता है, दूसरे डिपार्टमेंट की तुलना में कई बार वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है। अगेन ये पॉइंट भी कॉन्स में आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वर्क प्रेशर हर जगह ही ज़्यादा है। आजकल किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर वर्क प्रेशर कम है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हो गए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बाद भी अगर कोई सवाल है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर आप लिखिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और कमेंट में मेरे तक पहुंचने के लिए आप मुझे मेल कर, कमेंट में भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, संजीव SANJEEV रंजन RANJAN699@gmail.com। जी हाँ, SANJEEV RANJAN699@gmail.com पे भी आप मेरे तक पहुंच सकते हैं, जहां पे मैं आपके आंसर्स का पर्सनली उत्तर दे पाऊंगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये मेरे 6 सालों का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक करना ज़रूर भूलिएगा मत, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है।